आकाश में आइए, आकाश है उड़ी, बताएं क्या बात। छोटा भैया ने सुसाइड किया है महाराज। कैसे? अब जे समझ में नहीं आ रहा, इसी के लिए आए महाराज। हमने लिखा, सुनिए, बालक रूपी भाई ने सुसाइड किया है, घर में प्रेतवादा है, चौकी रखी गई है, मोहिनी वशीकरण है, और ये जो बालक है इसके लिए इसकी माँ को आवश्यक है, या इनके पिता या इनका कोई भी घर में ऐसा सदस्य हो वो आ जाए तो मैं ये क्लियर कर दूंगा कि ये सुसाइड क्यों किया है। लेकिन इतना जरूर है, मोहिनी वशीकरण है और महिला के द्वारा कुछ वशीकरण किया गया है, जिस कारण से अपनी लोक प्रतिष्ठा के कारण घटना की है, यानी कि फांसी लगाई है। फांसी लगाने का प्रयास किया, फिर जहर खाया। मैंने इसमें लिखा गुप्त रहस्य सुराग प्राप्त होगा, इसलिए मैंने इसमें कहीं भी पर्ची पे यह नहीं लिखा है कि फांसी लगाई या सलपास। पढ़िए पर्ची को। पहले इसने एक दिन फांसी का प्रयास किया, दूसरे दिन सलपास का प्रयास किया, फिर दूसरा प्रयास सलपास का किया। ये 15 दिन से लगातार ये घटनाक्रम कर रहा था, तो इसलिए घर का कोई व्यक्ति चाहिए मुझे। मैं फोटो दिखवा दूंगा उसका, फोटो मैं दिखवा दूंगा गद्दी पे, कैसे कैसे लटका, कैसे लटका, क्यों, मतलब कैसे सलपास खाई, कैसे इनसे लड़ाई हुई, क्या डिप्रेशन हुआ, सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा। तो घर के तो महाराज जी हैं, आप पुरुष है ना, माँ माँ नहीं है उसकी, पिता चाहिए, पिता, पूरा पिक्चर साफ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्या चाचा, जो बालक जो आपका भाई खत्म हुआ है, ये गुप्त रहस्य है, और जो गुप्त रहस्य मैं आपको बताऊंगा, ये आप जानना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे परसों एक मुट्ठी चावल लेके आ जाओ, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? सुबह या परसों है, आप जो बालक जो भाई आपका खत्म हुआ उसके विषय में गारंटी पाई। लेकिन चक्कर बसीकरण, ये तो दिक्कत आप लोगों पे भी आ सकती है,